प्रॉब्लम कब से थी? ये सर अराउंड 2015 से ही है मेरे साथ। मतलब पहले काफ़ी थोड़ा छोटे थे बट धीरे धीरे काफ़ी बड़े हुए हैं। तो आपने कोई जिम वगैरह किया था कैसे? नहीं नहीं, जनरली पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वेट गेन होता गया और साथ साथ ही ये भी होते गए। अच्छा, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम इसलिए सबसे ज़्यादा तो बुलिंग होती है जो स्कूल में और बाकी जगहों पर जो बुलिंग वगैरह रहती है और बाकी जैसे उल्टा लेटने में कई बार थोड़ा इरिटेशन होती है, पेन होता होगा। हाँ जी, थोड़ा बहुत वो सब चेंज। टी शर्ट वगैरह पहन लेते हैं, पहनने में तो कोई वो नहीं है बट जनरली टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकते। हाँ जी, टाइट ढीली टी शर्ट ही आप पहन पाओगे जी, है ना जी। ठीक है, तो और आपको पीयर प्रेशर या दोस्तों का क्या फीडबैक मिलता है इससे? कुछ नहीं, वो भी जनरली बस मजाक उलाते हैं। कुछ फ्रेंड्स जो मतलब बढ़िया फ्रेंड्स हैं वो तो कुछ नहीं करते, सपोर्टिव ही हैं। बाकी जो मतलब होते हैं ना कुछ क्लासमेट्स वैसे या बुली करते हैं जो वो सब रहते हैं। तो आपको कब लगा कि यार ये तो एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, मुझे इसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए? कब? ये सर अराउंड 2 महीने पहले। 2 महीने पहले जी। आपको कैसे पता लगा, किसने बताया? इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पे आपने देखा, फिर आपको पता लगा कि नहीं ये प्रॉब्लम है, मुझे इसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, ये ग्रेड 3 है ऑलमोस्ट। ठीक है, और ग्लैंड भी काफ़ी बड़ी है आपकी जी और काफ़ी हार्ड हो चुकी है जी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपकी निप्पल है इसको भी लिफ्ट करने की। ठीक है, क्योंकि काफ़ी ये लूज हैं, झूल चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा जो निप्पल है, निप्पल एरियल कॉम्प्लेक्स को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे जी। ठीक है जी, इसमें हमें थोड़ा टाइम लगेगा बट वी विल डू इन अ बेटर वे। ठीक है जी, थैंक यू।